there. सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और मैं आ पहुँचा हूँ आज रोहित जो पड़ता है उसके एक पास में गांव है, और बहुत ही ट्रेडिशनल मुझे यहाँ पे देखने को मिला। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, क्या नाम है जी आपका? सुभाष बिश्नोई। सुभाष बिश्नोई, हाँ जी, ठीक है। ये लोकेशन कहाँ की है? ये सर रोहित के पास में रामपुरा गाँव है। अच्छा, रामपुरा और अरटिया की सरहद है। ठीक है, आपके पास कितने जानवर है अभी? मेरे पास 6 जानवर है। 6 जानवर है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? यहाँ प्रेजेंट टाइम में 2 है। 2 है, एक घोड़ी है एक बच्ची है। अच्छा, तो आपने ये जो बनाया है ये काफ़ी सुंदर लगा मेरे को, और जो व्यूवर्स है उनको भी काफ़ी सुंदर लगेगा। तो ये पूरा चारे से है, कैसे बनाया हुआ है ये? सर ये क्या है, यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। अच्छा, और जो देसी जुगाड़ है उससे ये बनाया हुआ है, देसी सिस्टम है। इसमें नीचे से तो पूरा ये ऊपर तक लकड़ी में पहले बना दिया, ठीक है, और फिर नीचे का जो बाग है वो बिल्कुल मिट्टी से लेप के कर दिया ताकि कोई छोटा मोटा जानवर अंदर नहीं घुसे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी ये पूरा एकदम हवादार है, ये सर्दी में तो गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है। अच्छा अच्छा। पशुओं के लिए बहुत अच्छा है, देसी जहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है और जहाँ ऐसे क्रिटिकल एरियाज है कि वहाँ बढ़ा नहीं पाते हैं, कम पैसे में अच्छा चीज है जो पशुओं के लिए लाभदायक है, जिसमें पशु आराम से रह पाता है। तो आप इसमें अभी एक घोड़ी रखते हो? एक घोड़ी और उसकी बच्ची। अच्छा, तो इसको अंदर से दिखाओगे मेरे? वैसे ये ऊपर से जैसे ये चारा है ये आपके यहीं से? सर इसे देसी खीपड़ा कहते हैं, खीपड़ा। अच्छा, ये बिल्कुल वो हरा भरा उधर दिख रहा है ना आपको? अच्छा अच्छा, वो उसको काट के फिर दबा के सूखा के फिर इसको बनाया जाता है। और इसके ऊपर ये देखो, ये हाँ ये रस्सी है जो ये मतलब से इसको गूंथा जाता है, हवा से हिले डुले नहीं बिल्कुल। और बारिश में क्या है, कितनी भी बारिश हो ये पानी इसका नीचे आराम से आ जाता है। अच्छा अच्छा, पानी भी नीचे आराम से बह के निकल जाएगा। इसमें जो केयर की लकड़ी काम में ली जाती है सबसे ज्यादा, केयर की लकड़ी। अच्छा, इसका एक कारण है कि इसको उदाई कम लगती है, दीमक बहुत कम लगती है, दीमक कम लगती है। और इसमें जो ये अंदर की जो लकड़ी है ना, अब अंदर आइए आपको बताऊंगा, बिल्कुल पूरा देसी सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ये लकड़ी, इसे अब पता नहीं हिंदी नाम तो क्या होगा, हमारे देसी नाम अन्ना कहते हैं ये। और ये इसको वो दीमक नहीं लगती है, वो जानवर है वो भी नहीं लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कम से कम इसको बनाए हुए 8 साल हो गए। अच्छा, अभी तक ऐसा कैसा है? बिल्कुल ऐसा कैसा है, बिल्कुल आप बारिश हुई है अंदर से देखे बिल्कुल सूखा है। और नीचे ये मिट्टी भी अच्छी है आपके? बिल्कुल मिट्टी अच्छी है, यहाँ पर बाहर की मिट्टी लाके डालने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसा है, इसमें देखो ये पक्षी भी अंदर रह सकते हैं आराम से। अच्छा, तो इसमें पानी आने तो नहीं आता होगा, ये हल्का फुल्का आता होगा? बिल्कुल भी नहीं, बारिश हो पानी बेकर निकल जाता है नीचे की तरफ, क्योंकि इसका ढलान इस तरफ से बनाया हुआ है। बिल्कुल, इसका पूरा शंकुनुमा बनाया हुआ है। ठीक है, और ये नीचे एक एक फुट तक आपने मिट्टी की लेप कर दिया ताकि कोई जानवर कीड़ा जानवर अंदर नहीं घुसे। और छोटा जानवर जब भी यहाँ सोए ना, हाँ, तो जानवर अपना पैर लंबा करे तो भी इसमें फंसे नहीं। सही बात है, स्टार्टियों में नहीं फंस पाए। हाँ, और ये इसका ये देसी ठाण बना के, जिस ये टायर का बनाया हुआ, मतलब अच्छे का, मतलब कम पैसों में बढ़िया काम कर रखा है आपने। ये टायर का बनाया हुआ है, इससे घोड़ा खा भी नहीं सकता है। और इससे ये थोड़ा भारी भी है, इधर उधर भी नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और पूरा टायर का, ये अंदर से भी टायर का, इसके 4 नीचे नट लगे हुए हैं ताकि आराम से इसको, ये बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है ये। बिल्कुल सर। और देखा जाए तो एक बार अगर ज्यादा पैसे खर्च करके कम पैसों में ऐसा बढ़िया काम हो सकता है। कम पैसों में जैसा वातावरण हो उसके अनुकूल ये चीज है सर। और रात के समय में मैं रखने के लिए वो, अच्छा अच्छा, ये आपने पेडक भी इसी का बनाया हुआ है? पेडक भी इसी का बनाया हुआ, बिल्कुल खुला, जानवर आराम से अंदर खड़ा रह सकता है। ठीक है, ये देखो मैं आपको बताऊँ, ये छोटी बच्ची अंदर खड़ी है अभी। ये छोटी बच्ची है मतलब? बिल्कुल सर, 1 महीने की बच्ची है ये। अच्छा, ये है ना? हाँ जी। अच्छा, कौन से घोड़े की है ये? ये सर दमन की है। दमन कहाँ का? दमन खुंडावास। खुंडावास आपके यहीं जालौर में ही है? नहीं, जोधपुर में, जोधपुर और पाली बॉर्डर के पास, जैतपुर गांव के पास। अच्छा, खुंडावास महाराज सिंह जी खुंडावास है। अच्छा, उनका घोड़ा था दमन, और दमन वो है नवरत्न का बच्चा। नवरत्न, हाँ ठीक है। उस घोड़े की कितनी हाइट है? उस घोड़े की सर 63 हाइट। 63 है बिल्कुल सर। ठीक है, अभी कितने दिन का है ये बच्ची? है बच्चा है? बच्ची है सर। बच्ची है, 27 दिन की हुई है। 27 दिन की, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना भी नहीं।
ठीक है, इसके मार्किंग क्या है, दो पैर पीछे के भाई? पंच कल्याण है सर, चारों पैर। अच्छा, पंच कल्याण होगी बिल्कुल, चारों पैर पूरा पट्टा। सुंदर है बच्ची। अच्छा, ये आपने पेड़क बनाए हुआ है मतलब, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये आपकी घोड़ी हो गई है? हाँ जी सर। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका रूप तेज है सर। रूप तेज, बिल्कुल सर, रूप तेज। बच्ची का नाम नहीं बताया आपने उसका? बच्ची का नाम कृष्णा है। कृष्णा, बिल्कुल ठीक है। इसका रूप तेज, बिल्कुल। अच्छा, आपके पास कितने टाइम से है ये? ये जन्म से मेरे पास ही। अच्छा, जन्म से ही, बिल्कुल। क्या एज की हो गई है? ये एज की हो गई सर, 4 साल की। 4 साल की, ये फर्स्ट था नहीं है इसका? पहला बच्चा दिया है। अच्छा अच्छा, वही दमन की, दमन से दिया इसने पहला बच्चा? जी, दमन से दिया। ठीक है। चार साल एज बताई इसकी है? बिल्कुल सर। और हाइट? 64 है सर। 64 है, बिल्कुल। अच्छा, मार्किंग इसके एक पैर पीछे का, वाइट पीछे का पूरा पट्टा है सर। पूरा पट्टा है और एक पैर पीछे का। अच्छा, इसको शो क्वालिटी में भी लगाया क्या आपने? बिल्कुल लगाया सर। कहाँ पे? जोधपुर शो में 2 बार लगाई थी, एक बार दंत में, एक बार दो दांत। अच्छा, एक बार मिल्क टीथ में लगाई थी और एक बार दो टू टीथ में। फिर क्या हुआ वहाँ पे? लगाई है वहाँ, जो रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, आपके सामने ही है, शो में आप जाते ही हो। हाँ हाँ, सही बात है। अच्छा, ये कौन से घोड़े की बच्ची है? ये मदेरणा की बच्ची है सर। मदेरणा, ठीक है। मदेरणा की हाइट पता है आपको? मदेरणा की हाइट तो सर पता नहीं। कहाँ पे है वो? वो सर नागौर में है। नागौर में, वर्तमान में नागौर में। अच्छा अच्छा, ठीक है साहब। इसको सेल करने का है विचार आपका? अभी विचार नहीं है सर। अभी विचार नहीं है, सामने। ये कुछ भी आपका तो ये खुला एरिया पूरा? हाँ बिल्कुल सर, है ना? खेत है, वेत है, सब बिल्कुल ओपन है, सारा सर ओपन है, पूरा प्राकृतिक वातावरण है। प्राकृतिक वातावरण अनुकूल है। तो आपके तो ये खाना वाना भी यहीं का खिलाते होंगे आप तो? हरे नहीं, हरा घास मिल जाता है यहाँ खेत में। अच्छा, बाकी सूखा चारा वगैरह वो है। तो राइडिंग की भी अच्छी घोड़ी है ये, राइडिंग में देखी है इसकी, भी अच्छी चलती है। रेवाल चाल बढ़िया, क्या स्पीड होगी इसकी रेवाल की? स्पीड है 30 की। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगा आपका, और खास करके ये जो पेडक है, ये पहली बार देख रहा हूँ, ये पहली बार देख रहा हूँ और आपने बना लिया, बहुत अच्छी बात है। और वो जो आपका जो घोड़ी रखते हो आप उसमें, ठीक है, धन्यवाद। आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए। 9828048283। ठीक है। इधर घुमा लो वापस।